पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में एक ही परिवार की दो महिलाओं के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। दोनों महिलाएं रिश्ते में सास और बहू हैं और इस मामले में पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता का आरोप है कि राजनीतिक रंजिश के कारण तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उनके साथ रेप किया। दोनों पीड़िताओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घर में सन्नाटे से पहले क्या गुजरा होगा, यही जानने के लिए जांच एजेंसियां और पुलिस के अधिकारी यहां पहुंचे हैं। यह है पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले का एक गांव। इस घर में मंगलवार की रात को दो महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ। दो हफ्ते पहले बीरभूम में आदिवासी लड़की के साथ हुई ज्यादती की बात लोग भूल भी नहीं पाए थे कि ये मामला सामने आ गया। इस मामले में दो महिलाओं के साथ गैंगरेप की शिकायत दर्ज की गई है। दोनों महिलाएं सास बहू हैं। इस सिलसिले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले को सियासी रंजिश का नतीजा बताया जा रहा है। पीड़ित का दावा है कि उनके परिवार का संबंध सीपीएम से है। स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के नेता इस बात से खफा थे। टीएमसी की तरफ से उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही थी। इन्हीं धमकियों के डर से गांव छोड़कर कई पुरुष भाग चुके हैं। मंगलवार को नशे में धुत 7-8 लोगों ने जबरन घर में घुसकर वारदात को न केवल अंजाम दिया बल्कि अपनी करतूतों की वीडियो भी बनाई। घटना रास्ते से माल ढाल के ऐसे एखन माल बोतल घर मंदिर जानलाते रेखे दीजिए माल ढाल के ऐसे सब। कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव में लेफ्ट समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार की जीत तृणमूल नेता हजम नहीं कर पाए। हार का बदला लेने के लिए घिनौना तरीका अपनाया गया। इलाके की पुलिस पर भेदभाव का आरोप लगता रहा है। क्या ममता सरकार अब भी राजधर्म निभाएगी? विक्रांत दुबे, कोलकाता, IBN 7।